आज की रानी है पांच नंबर का रिक्शा और सीट पर एक मेहमानी बाप बैठकर अपने रूहानी बच्चों साले ग्रामों को समझाए बच्चों को नहीं जे हनुमान में रहने वाले बच्चों को नहीं समझाए गए न उनकी समझ में आने वाला भी समझाए गए रूहानी बाप कुछ रूहानी रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप को जान रूह की स्टेज जिन्होंने नहीं बनाई बिंदुओं की स्टेज नहीं बनाई वो रूहानी बाप को कहता समझाएंगे भी कैसे क्या समझा रहे हैं शक्ति के आदि मध्य अंत का सारा राज समझा रहे कहीं समझाए कहीं ना समझाए थोड़ा नहीं सारा राज आदि से लेकर के मध्य और अंत तक और ये समझाने वाला एक ही है कोई दूसरा नहीं है एक ही सुप्रीम रू है जो ये सारा राज समझा सकता है सेकेंडरी रूप प्रजापिता या ब्रह्मा या एक्सवाइजेड कोई भी अब्राहम बुद्ध का ऐसे कोई भी बड़े से बड़ा महात्मा महात्मा योगात्मा कोई भी इस सृष्टि के राज को समझा नहीं और तो जो भी आत्माएं हैं अथवा सालिग्राम सभी के शरीरों का नाम है मेरी आत्मा का ही नाम शेर है ये नाम मेरा कभी बदलता नहीं और जो आत्माएं हैं उनकी आत्माओं के नाम नहीं उनको आत्मा कहें रूह कहें सालिग्राम कहें बाकी जब वो शरीर धारण करती है तब उनके अलग अलग नाम पर एक ही परम पिता परमात्मा है जिसको अपना शरीर में सुप्रीम रू परमात्मा का नाम है चिर क्योंकि परम आत्मा परम माने बड़ी बड़ी से बड़ी रूप में बड़ी नहीं है लेकिन शक्ति में गुणों में ज्ञान में बड़ी पतित पावन हुई वही खुद अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं पार्ट बजाने के लिए सबको यहां ही आना होता है ये भी समझाया है विष्णु के दो रूप हैं क्या विष्णु के दो रूप हैं कौन कौन से दो रूप दो रूप हैं तो जरूर कोई दो रूप होने चाहिए वो भी विष्णु के किसी सिंगल के नहीं विष्णु के दो रूप
तो दो रूप में वो चार भुजाएं दिखाई गई, दो राइट लेफ्ट और दो लेफ्ट। उनमें से उन भुजाओं में से साबित होता है कि उनको कोई चलाने वाला भी है। तो विष्णु के चार भुजाएं भुजा माने मददगार। कौन सी आत्माएं चार मददगार बनती हैं? जिनके स्वभाव संस्कार मिल करके एक जैसे हो जाते, तब वो बनते हैं विष्णु। उनके दो रूप अर्थात दंगमुखी लक्ष्मी नारायण, जो डायरेक्ट परमात्मा से उनसे प्राप्ति करते हैं, और दूसरे सतयुगी लक्ष्मी नारायण, जो बचपन में राधा कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण उनको तैसे अपने बाप से मिले, सत्युग में उनको तैसे मिलता, और संगम में तैसे संगम भी लक्ष्मी नारायण को किससे मिलता है? सुप्रीम रूप परम पिता परमात्मा। तो दोनों ही जो रूप है विष्णु के, वो मिल करके विष्णु बनते हैं। विष्णु के दो रूप, तो बताया कि पार्ट बजाने के लिए सभी यहाँ ही आते हैं। ये भी समझाया है बाप कब आते हैं, जबकि नई सृष्टि की स्थापना होती है तब आते, आगे पीछे नहीं। और पुराने का विनाश जरूर होना है, पहले क्या होगी स्थापना, फिर विनाश। ऐसे नहीं कि राजधानी स्थापन हो न पाए और विनाश हो जाए, क्या राजधानी अगर स्थापन नहीं हुई है, राजधानी मानो का संगठन तैयार नहीं हुआ, राजधानी के कंट्रोलर मुख्य एक्टर वो तैयार नहीं हुए, तब तक विनाश नहीं। विनाश होना आसुरी धर्मों का, आसुरी धर्मों के आधार पर चलाए जाने वाले राज्यों का, जो कि मनुष्यों के द्वारा वो राज्य स्थापन किए गए। आज की दुनिया में मनुष्यों के द्वारा जो राज्य स्थापन किए जा रहे हैं, जो तख्ते तैयार किए जाते हैं सरकारी, वो सरकारी ढांचे आज तैयार होते हैं और कल उसका तख्ता पलट जाता है। तो अल्पकाल के अल्पी मनुष्यों के अल्पकाल की प्राप्ति होती है, और सदाकाल जो अविनाशी परमात्मा है, तो वो अविनाशी प्राप्ति देने वाला वो ऐसा संस्था स्थापन करता है, सरकारी ढांचा तैयार करता है, कि वो एक बार तैयार हो जाता है तो 2500 वर्ष तक सत्य को कोई हिला हिला नहीं। तो फाउंडेशन जब पक्का तैयार हो जाता है, यानी 108 बीज रूपात्मा जो जन्म जन्मांतर भारत की राजाएं बनती है, उनका संगठन जब प्रैक्टिकल संगठन में तैयार हो जाता है, वो 108 मण के बाप के सच्चे बच्चे जब संगठित हो जाते, एक प्रेम के सूत्र में, एक ही स्नेह के धागे में बंध जाते हैं, तब राजधानी की स्थापना का फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है, और फिर पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश, पुराने
जो राज्य सत्ता है उसका विनाश होना असली रूप में शुरू होता है। तो पहले स्थापना फिर विनाश। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो नई दुनिया होगी तो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। वो तो सिवाय परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता, वो सुप्रीम रूह का ही काम है। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई तथाकथित कहते हो कि परमात्मा हमें पढ़ाई पढ़ा करके चला गया, हमने देखा हमने पाया जो भोला भगवान, हम ही राजा स्थापन करेंगे, तो ये बात बिल्कुल तो मुरली ने तो बाबा ने बोला है कई बार कि मैं राजधानी स्थापन करके जाता हूँ और दूसरे धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, अपनी अपनी धारणाएं स्थापन करते हैं लेकिन राज्य सत्ता स्थापन नहीं करते। मैं मेरी ये विशेषता है कि धर्म स्थापना के साथ साथ मैं राजधानी भी स्थापन करके जाता हूँ और सिर्फ एक वंश की नहीं दो वंशों की राजधानी स्थापन करता हूँ, सूर्यवंशी राजधानी और चंद्रवंशी राजधानी। तो ये स्थापना होती है जरूर। तो ये है परम पिता परमात्मा जिसको परम आत्मा कहा जाता है। आत्मा कैसी परम, जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, जिसे बेस्ट मन जिसका हाँ जिसका कोई सानी नहीं, तो ऐसे उस सुप्रीम रूह का कोई सानी नहीं, वो है परम आत्मा। उसका नाम है सिर्फ अर्थात कल्याण का, उससे ज्यादा कल्याण और कोई रूह कर नहीं सकती। अगर करने वाली होती तो दुनिया में सब धर्म की आत्माएं थे उसको भी उसी तरह याद करती जिस तरह सारी दुनिया के मनुष्य गॉड फादर को याद करते हैं। चलो कोई कहे कि नास्तिक धर्म के लोग कम्युनिस्ट लोग परमात्मा को नहीं मानते, वो तो नहीं याद करते, लेकिन जब विनाश का डंका बजेगा सर के ऊपर आफत आएगी तो दुनिया की कोई कैसी भी नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों हो उसको भी परमात्मा का आश्रय लेना पड़ेगा और उसके मुख से भी निकलेगा गॉड इज ट्रुथ। बाबा ने पहले ही बता दिया है मुरली में क्या कि जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के गॉड फादर मिलते हैं। वो फादर ही क्या जो बच्चों से आकर मिले नहीं, तो 5 करोड़ मनुष्य आत्माएं रियलाइज करेंगी और फिर अपने अपने तरीके से कोई दूर के संबंध से और कोई नदी के संबंध से उस बाप को बाप के रूप में पहचानेंगे। गॉड फादर है तो जरूर फादर सब बच्चों से मिलना चाहिए। उनका नाम है शिव, उनके शरीर का नाम नहीं। और जो भी है उनके तत्व के शरीर का नाम पड़ता है, ये भी समझते हो। मुख्य जो है वो तो सभी जानते हैं कौन कौन मुख्य है, इस तत्व रूपी जो
हनुमान जी पर। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं 5-7 मुख्य एक्टर्स के नाम बताता हूँ। 5-7 मुख्य एक्टर्स कौन कौन से? राम, कृष्ण, इब्राहिम, बुद्ध, क्रैस्ट, आर्यन, किन्हीं का दुनिया में सबसे जास्ती नाम बालक। तो इन सब के शरीर का नाम पड़ता है, मेरी रूह का नाम है से। रामा का चक्र फिरते पर फिरते अभी आकर के अंत हुआ, अंत में तो बाप ही आना चाहिए। किसका बाप? सबका बाप, जो धर्म पिताए हैं उनका भी, उनका भी बाप, जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, बापों का भी बाप, उनकी जयंती भी मनाते हैं। जरूर वही जयंती मनाएंगे जहां वो आए, तो भारत में भी जयंती मनाते हैं, दूसरे देशों में शिव जयंती या शिवरात्रि भी मनाते हैं। जयंती अर्थात जय जयकार, दूसरे देशों में परमात्मा शिव की जय जयकार नहीं होती। जिनको राज्य मिलेगा वही जय जयकार करेंगे, और जो धर्मखंड विनाश को पाएंगे, वहां के जो मूलवासी होंगे वो क्यों जय जयकार करेंगे? उनका तो हो गया खात्म, नई दुनिया ने उनको पार्ट मिल नहीं सकता। तो शिव जयंती भारत में ही मनाई, जयंती अर्थात जन्म, कोई स्थूल जन्म की बात नहीं, क्योंकि स्थूल जन्म तो होता है स्थूल बच्चों का जो शरीर धारण करते, परमात्मा को तो शरीर ही नहीं, तो उनका जन्म कैसे होगा? स्थूल गर्भ ही नहीं है तो जन्म कैसे गाया जाए? तो वह सूक्ष्म जन्म, ऐसा सूक्ष्म जन्म जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है तब तक छूता है, जब तक गर्भ में है तो माँ जान सकती है, परिवार के कोई सदस्य जान सकते, दूसरा कोई ढूंढता नहीं जान सकता। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बाजे बगाजे बजाए जाते, उसी तरीके यहाँ भी ये बेहद की बात है कि परमात्मा शिव जब तक उसकी जय जयकार रूपी जयंती अर्थात उसकी पूरी प्रत्यक्षता नहीं होती है, तब तक कोई विशेष रूपी की आत्माएं हैं, बाप के बच्चे विशेष रूप हैं, वो उसको गर्भकाल से ही गर्भ के अंदर होते हुए भी, गुप्त होते हुए भी उसी तरह पहचान लेते हैं जैसे शास्त्रों में पांडवों को गायन है कि पांडवों ने सात पांडवों परमात्मा को पहचान और कोई ने नहीं जान। कि अर्जुन के रथ में यानी शरीर रूपी रथ में परमात्मा आकर के महाभारी महाभारत विनाश युद्ध कराए रहा है, गीता ज्ञान दे रहा है। महाभारत युद्ध है तो जरूर भगवान की, तो यह है प्रत्यक्षता रूपी जन्म, कोई स्थूल जन्म की बात नहीं। जब प्रत्यक्षता हो जाती है परमात्मा की तो बड़े बड़े लोगों जो इस दुनिया के हिसाब से बड़े लोग माने जाते हैं, अखबार लगी ये टेलीविजन के बड़े बड़े अधिकारी या रेडियो के बड़े कोई रेडियो स्टेशन को चलाने वाले अधिकारी,
कोनों तक आवाज स्वतः ही पहुंचता है, वो स्वतः ही सेवा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए कोई पैसे लेने के लिए अपना कार्य संपन्न नहीं करेंगे, स्वतः ही संपन्न करेंगे। उसको कहेंगे परमात्मा की जय जयकार रूपी जयंती। लेकिन ये जयंती तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ईश्वरीय शासन तंत्र के 108 मण के एक परमात्मा के स्नेह के सूत्र में नहीं बन जाते। एक भी मणका अगर माला से जुदा है तो वो माला संपन्न नहीं हो सकती। माला में एक मणका दूसरे मणके से नीचे होता है, नीचे वाला मणका ऊपर वाले मणके को किसी बात में क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे मिलिट्री होती है, मिलिट्री में ऊपर का अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को कंट्रोल करने का पूरा हक रखता है, नीचे का अधिकारी ऊपर वाले अधिकारी की तरफ उंगली नहीं उठा सकता, पूरा फुल कंट्रोल। ऐसी रूहानी मलेट्री जब तैयार हो जाएगी, ऐसी पारिवारिक व्यवस्था जब तैयार हो जाएगी, तो उस समय परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति शक्ति जयंती गाई जाए। ऐसी जयंती भारत में ही मनाई जाती है, किसी दूसरे देश में नहीं मनाई जाती। ये जयंती होती है तब जब दुनिया बदल ली है और घोर अंधेरे से घोर सोजरा होता है। घोर सोजरा कब कहा जाए और घोर अंधेरा कब कहा जाए? रात्रि के 12 बजे घोर अंधेरा और दोपहर के 12 बजे घोर सोजरा। तो कृष्ण की जयंती किस टाइम पर मनाई जाती है? टाइम क्या है? रात्रि के बाद में। तो जरूर है कि कृष्ण के थ्रू जो कार्य हुआ है परमपिता परमात्मा शिव का, कृष्ण की सोल के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के थ्रू, उस समय वो सुप्रीम सोल की जयंती नहीं हो सकती। इसलिए मुरलियों ने बोला है कि मैं आकर के राम राज्य स्थापन करता हूं, ये नहीं कहा कृष्ण राज्य स्थापन करता हूं या ब्रह्मा राज्य स्थापन करता हूं। ब्राह्मणों का तो राज्य होता ही नहीं, ब्राह्मण तो सब है सेवादारी, ब्राह्मण पति के ऊपर शासन चलाने का हक नहीं रखते। ये बोला है कि जब अंत में शमशान घाट में जाते तब कहते हैं राम नाम करते, तो आज का पाठ तो मां के रूप का है, प्यार भरे रूप का है। उसमें जो सतर्क आसुरी आत्माएं वो नहीं पहचान सकती। इसलिए मुरली ने पहले ही बोल दिया कि विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप बनना है, वरना वो सुधरेगी नहीं। तो त्रिमूर्ति में एक लेफ्ट फुल पार्ट राइट लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड में ला फुल पार्ट अपन उठा बैठा हुआ दिखाया गया।
जब दोनों का मेल हो जाता है तो विष्णु का राज्य स्थापन होता है। तो शिव जयंती किसके थ्रू, किस आत्मा के थ्रू? राम वाली आत्मा के थ्रू अंत में जय जयकार हो जाती, तो शरीर भी वही होता है। त्रिमूर्ति में जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा का पाठ बजाती है, वैसे ही राम की सोल शंकर का पाठ बजाती है। दोनों पे ही भक्ति मार्ग में चित्त मिलते हैं, तो जरूर उनका कोई चरित्र भी हुआ है, लेकिन चित्त कहां से आए? लेकिन ब्रह्मा के मूर्ति की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, यादगार नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो आखिरी स्वभाव के ज्यादा तादाद में होते हैं वो माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। लव का नादान फायदा उठाते हैं। तो ब्रह्मा का नाम बाला नहीं हो पाता, गीता जयंती नहीं हो पाती, स्वर्ग जयंती नहीं हो पाती और शिव जयंती भी नहीं हो पाती। ये तो निश्चित है कि विदेशी जो है वो बुद्ध जाति होते हैं और बुद्धि के तीक्ष्ण होते, लेकिन उनके अंदर दिल नहीं होता, भावना नहीं होती। श्रद्धा विश्वास भावना ये दिल की चीज है, बुद्धि की चीज नहीं। जब तक दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं होगा तब तक कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। दिमागी व्यक्ति विचक्षण का निमित्त बन सकता है, दिमागी मन अहंकारी, अहंकार की मात्रा ज्यादा होती है, और दिल वाला दिल वाले बाप से शादी कर जाता है, ईश्वरीय प्राप्ति का हकदार बन जाता है। तो जो प्राप्ति का हकदार बनता है या जो बच्चे बनते हैं वो बच्चे माला में चले जाते हैं। नंबर वन जरूर पहले राइट साइड के बच्चे फिर हो जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड के फिर हो जाएंगे। तो इस तरह माला में नंबर बन जाते हैं। तो शिव जयंती असली होती है दोपहर के 12 बजे, क्योंकि राम का जन्म कौन से टाइम पर मनाते हैं? भोर सूर्य कब होता है? दोपहर के 12 बजे। इसलिए राम की जयंती दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा हो जाता है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा फिर ही एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। एक होता है संगम युग सामान्य संग, और दूसरा होता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम, उत्तम माने उत्तम मध्यम परिचय, गुड बेटर बेस्ट, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास। माला ऐसे टच होती, फर्स्ट क्लास माला कौन सी? अष्टरतन। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं बाप उनको सर के ऊपर चढ़ाए कहते हैं, हमारे प्यारे।
तो वो आठ विशेष आत्माएं हैं, अष्ट रतन या अष्ट देव के रूप में भक्ति मार्ग में पूजी जाती है, नवग्रहों के रूप में पूजी जाती है। तो वो अष्ट नवरत्न वो भी फर्स्ट क्लास वाला फर्स्ट क्लास संगठन, और दूसरा संगठन गले की माला जो विष्णु माला बाद में बनती है, लेकिन उससे पहले वो रुद्र माला तैयार होती है। वो रुद्र माला है राजाओं की माला, जो भारत के राजाएं जन्म जन्मांतर बनने वाली आत्माएं, लेकिन वो राजाएं रुद्र माला की मां के द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक विधर्मियों के संसर्ग संपर्क में आने के विपरीत आसन करने वाले बलि मानव भिखारी होते हैं। दूसरे धर्म की प्योर आत्माएं उतनी भिखारी नहीं बनती हैं जितने ये भारत के राजा भिखारी बने। तो इसका अंजाम क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पतित बनने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और परमात्मा के जो पार्थ भारी विशेष आत्माएं हैं रामकृष्ण की आत्माएं, उनसे उनको वैमनस्य पैदा हो जाता है द्वापर कलयुग के जन्मों, और वो राजाएं आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और भारत की परंपराओं को भारत के राज्य को एक सत्ता को एक धर्म सत्ता को छिन्न भिन्न कर देते हैं प्योरिटी न होने के कारण, क्योंकि जहां प्योरिटी होगी वही यूनिटी होगी, जहां प्योरिटी नहीं होगी वहां यूनिटी नहीं होगी। तो कलयुग के अंत तक आते आते आपस में लड़ने का अंजाम क्या होता है? उनकी राजाई ही चट हो जाती, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। उसको बाबा ने बोला है कि ये है अनलाफुल राज्य, अनराइटियस राज्य, क्योंकि इसमें कोई धनी धोरी नहीं है। ऐसे टाइम पर परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और उन्हीं रामकृष्ण वाली आत्माओं को जो कि सत्य रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं उनको निमित्त बनाता है। उन 108 मणकों को जो पतित बन गए हैं उनको पावन बनाने की, और वो बच्चे नंबर वार को साथ उनका जब परमात्मा को पहचान लेते हैं तो उस समय राजधानी का फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है। तो ये बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार मैं आता हूं, अपने असली रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग यानी पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रत्यक्ष होता है, फिर नंबर वार उत्तम तो आठ उत्तम पहले प्रत्यक्ष होंगे। ये 16,000 राज परिवार की राजघराने की आत्माएं, इनमें सरेंडर होने वाले तो सब होंगे, क्योंकि बुद्ध ने बोला हुआ है कि सरेंडर तो ढेर होते हैं, परमात्मा के संबंध तो ढेर जोड़ लेते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में संबंध तो शरीर के साथ ही होते हैं,
संबंधों का शरीर के साथ ही अलग अलग प्रकार का रस होता है। तो संबंध तो सब जोड़ते हैं, तो रह जाए, लेकिन निभाने वाले बहुत थोड़े ही हैं। फर्स्ट क्लास निकलती है 108, पांच में जो स्कॉलर वो स्कॉलरशिप पाने वाले निकलते हैं 8, लेकिन अंतर ये बताया है कि अब तक के पुरुषार्थ में भी 8 सबसे जाती ऊपर नीचे होने वाले, 100 की माला फिर भी 90% बन जाती है, लेकिन जो सशक्त आत्माएं 8 है वो सबको ऊपर नीचे करती है। माला बनते बनते फिर रह जाते क्या? ऐसी सशक्त आत्माएं है वो, आप गए और भाले खुद भी नीचे जाते हैं और जो अपने पीछे वाहन वालों को भी नीचे ले जाते हैं। ऐसी गुह्य गति है। तो ये माला का संगठन 108 जब पूरा तैयार होता है तो शिव की जयंती असली मनाई जाती है। उसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुषों में उत्तम बनने वाले जो नंबरवार मन के हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो निश्चित है कि श्रेष्ठ आत्माएं साधारण नालक से प्रत्यक्ष होने वाली नहीं है। एक होता है प्राइमरी रिपोर्ट और दूसरा होता है रिवाइव पोर्ट, तीसरा होता है रियलाइजेशन पोर्ट। तो जो आत्माएं रियलाइज करने में आगे जाती हैं कि मैं आत्मा कौन, मैं आत्मा बिंदु, ये तो सब है, ये क्या पहचान है, मुझे आत्मा का पार्ट कौन सा है, मुझे आत्मा का माला में नंबर कौन सा है, इस बात को पहचानने वाले जो मणके वो फिर बात को भी उसी नंबर से पहचान और अपनी स्टेज पर अपनी पीठ पर माला में सेट हो जाती। तो ये है पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुष अर्थात आत्मा, पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का ये समय चल रहा है अपनी चरण से अपनी वाचा से। वो आत्मा स्वतः ही अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करती है, फिर भी अंदर से रियलाइज करती है कि मेरा ये पार्ट लेफ्ट साइड का पार्ट है या राइट साइड का पार्ट है। लेफ्ट साइड में भी नाक मणके का पार्ट है या पहले मणके का पार्ट यह मध्य का पार्ट है, सब कुछ रियलाइज होगा। माला में आऊंगा या नहीं आऊंगा, कौन सी माला में आऊंगा, ये भी उनको रियलाइज होता है। नहीं आऊंगा तो प्रजावर्ग में जाना है, किस प्रकार की प्रजा बननी है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा या थर्ड क्लास प्रजा। प्रजावर्ग से भी ऊंच होते हैं राजघराने के, उनमें से कोई कोई दासदासी भी बन सकती है, कोई तो ऐसे भी हैं जो प्रजावर्ग की दासदासी बनते हैं फोर्थ क्लास में, एकदम नीचे चले जाते हैं। तो ये सारी राजधानी प्रत्यक्ष तब होनी है जबकि बाप के नंबरवार बच्चे
संगठित रूप में एक स्नेह के सूत्र में बने हुए, एक के कंट्रोल में पूरी तरह से बने हुए देखने में। जैसे बाबा बोलते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोक हो गया। प्राय लोक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लोक हो गया। आज भी भारत में कोई कोई ऐसे परिवार हैं, 40-40, 50-50, 60-60 से भी ज्यादा के ऐसे परिवार हैं, एक चूल्हे पर रोटी बनती और एक के नियंत्रण में रहने वाले। परिवार में किसी की हिम्मत नहीं, किसी भी सदस्य में चाहे कितना ही कमाऊ सदस्य क्यों हो, जो परिवार के मुखिया को डिसओबे कर सके। अखबारों में भी ऐसे परिवार कभी कभी बताए जाते हैं, लेकिन वो प्राय है लोग। तो अब जो प्राय लोग का धर्म हो चुका है, पारिवारिक व्यवस्था विदेशियों के प्रभाव से छिन्न भिन्न हो चुकी है, उसी देवी देवता सनातन धर्म की पारिवारिक व्यवस्था को परमात्मा फिर से स्थापन करने के लिए आया हुआ है। तो उसकी अगली जयंती तो तभी ही होगी जबकि उसका ये कार्य संपन्न हो। अगर एक भी परिवार ब्राह्मण परिवार में ऐसा देखने में नहीं आता, परिवार मान सेंटर जो एक के कंट्रोल में पूरा पूरा बना हुआ हो, सारे के सारे सदस्य, तब तक नहीं कह सकते कि देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं हुई है। फाउंडेशन मात्र भी नहीं पड़ा। फाउंडेशन पड़ेगा पहले दो से। कौन दो परिवार में कौन दो मुखिया होते, माँ और बाप। तो प्रैक्टिकल में वो देखने में जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई मानने वाला नहीं। हाँ, ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन माया ऐसी है जो बीच में टांग आएगी। बार बार घड़ी घड़ी नित्य बुद्धि और घड़ी घड़ी अनित्य बुद्धि बनते हैं। सिर्फ एक ही सितारा है जो अपने स्थान से जगमग नहीं होता, ध्रुव तारा। बाकी सब सितारे कोई कम चक्कर काटते हैं और कोई बहुत लंबा चक्कर काटते, कोई कभी दूर और कोई कभी नजदीक का पार्ट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पारिवारिक व्यवस्था की मुख्य बात है, मुखिया के डायरेक्शन पर चलना, उसको मुखिया को भूल जाते, उसको पारिवारिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में परमात्मा शिव नहीं है। प्रैक्टिकल में तुम उसका तो अपना शरीर ही नहीं, वो कभी युगल बनता भी नहीं। गॉड फादर इज बन कहा जाता है। क्या भगवान भगवती ये सब रंग है? वास्तव में भगवान तो अकेला होता था, लेकिन वो जिस सन में प्रवेश करता है उसको कहेंगे सेकंड टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। मुरलियों ने 3-4 नाम ऐसे बताए गए हैं जो है तो एक ही पाठधारी के नाम, लेकिन शास्त्रों ने उन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से पुकारा गया।
गुरु ने बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रतीक। तो क्या सत्यजी का प्रतीक? जरूर संगमी में पाठ हो जाने वाला सत्य का पाठ जो श्याम से सुंदर बनता है एक ही शरीर के द्वारा, श्याम से श्याम पाठ बजाता है, काले से काला भयंकर, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, और फिर गोरे से गोरा, यानी प्यारे से प्यारा पाठ भी, सुंदर से सुंदर पाठ भी वो बजाता है। किसी को श्याम पाठ की अनुभूति होती और किसी को सुंदर पाठ की अनुभूति, पाठधारी एक ही समय पर पाठ बजाता, लेकिन कोई को क्या नजर आता और कोई को क्या नजर आता। तो कृष्ण को भी कहा है नेक्स्ट टू गॉड, फिर मुरली में प्रजापिता को भी कहा है नेक्स्ट टू गॉड, फिर शंकर को भी कहा है नेक्स्ट टू गॉड। 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं तो नेक्स्ट टू गॉड तो एक ही होगा, सब नंबर बार ही होंगे ना। 500 करोड़ की जो रुद्र माला है बड़ी माला, वो नंबर बार ही फिर हो जाएगी। एक मणके के संस्कार दूसरे मणके से पूरे पूरे एक का पाठ दूसरे से हमेशा के लिए मिल नहीं सकता। तो नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, ये तीनों ही शब्द एक ही पाठधारी के अलग अलग तरीके से नाम है, क्योंकि एक ही व्यक्तित्व में एक ही इंडिविजुअल में तीन आत्माएं पाठ बजाती, परमात्मा शिव सुप्रीम सोल जो ज्ञान देने का कार्य करती है, दूसरी आत्मा जिसने प्रवेश किया वो शरीरधारी, और तीसरी आत्मा भूति विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, विनाश की वाणी गुंजाती है। क्यों? जो स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा। तो ब्रह्मा की तू स्थापना, तो ब्रह्मा की सोधी जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अब तक भी गुलजार दादी के द्वारा पाठ बजाती आई, वो फिर संपन्न बीज रूप स्टेज धारण करके, बीज रूप स्टेज अर्थात निसंकल्प स्टेज, ऐसी स्टेज जिसका गीता में गायन है क्या, योग युक्त अवस्था में एक रिक्त होने वाला सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो वही शुद्ध वास्तव में सब धर्मों का विनाश का पाठ बजा शुरुआत करती है घर से, विनाश वाला रुद्र ज्ञान यदि कुंड से प्रज्वलित हुई, इसलिए जिस शरीर के द्वारा ब्रह्मा की सोल अर्थात कृष्ण की सोल और शिव सुप्रीम सोल पाठ बजाते, वो शरीरधारी त्रिनेत्री के रूप में गाया हुआ है, तीन नेत्र, कोई स्थूल नेत्रों की बात नहीं है, ये नेत्र है आत्मा रूपी, आत्मा की ज्योति जिनमें जग रही है, एक मध्य में दिखाया जाता है,
कि तीसरा नेत्र खुला और आखिरी सृष्टि का विनाश हो गया। काम देव भस्म हो गया। तो कामदेव को भस्म करने वाला मैं तो देवता बता दिया काम को, है तो सबसे बड़ा आदम। तो सबसे बड़े असुर को भस्म करने वाला, इवर इन प्योर को भस्म करने वाला, इवर प्योर चाहिए। इवर प्योर कौन? वही सुप्रीम सोल जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाई गई, बाकी बची दो सोल, राइट ईयर और अनराइट ईयर अर्थात लेफ्ट। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, किसी को सांप काट ले तो ऐसे नहीं, तो उसको सांप काटा हुआ कोई अमृत देने से ठीक हो जाएगा? नहीं। एक बूंद जहर, उसमें एक गड़ा दूध डाल दो सारा जहर हो जाए? क्योंकि लक्ष्य सही नहीं। तो उस जहर को मारने के लिए उससे ज्यादा घातक जहर चाहिए। इसलिए वाणी में बाबा बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया, मतलब बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं, उसका हाथ जहर देने उसका हाथ ले लेते हैं, हाँ हमारा बाप आया हुआ। लेकिन बाप आया हुआ का मतलब तुम तो फिर मर्मिकारी हो और बाप तुम्हारा तुमसे ज्यादा अधिकारी बनकर के तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए बोला है कि दुनिया का वातावरण जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, विकारी गंध वाला बनता जाएगा। क्यों? बीज को सुधरना चाहिए या बीज को बिगड़ना चाहिए? सुधरना चाहिए, परमात्मा आ चुका है। लेकिन ये ज्ञान है कि बीज अगर स्वच्छ है तो वृक्ष भी पौधा भी स्वच्छ होगा, और बीज में अगर कोई लुप्त है तो पौधा भी लुप्त वाला। लेकिन साथ साथ ये भी ज्ञान है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में ब्रह्मा पतित तो पावन विष्णु बनता है। वो एक सेकंड रुधा हुआ है तो विशेष राज कारण, वो राज समझ में आना चाहिए। क्या? कि आसुरी सृष्टि का विनाश तब होगा जब उन असुरों का भी बाप महाकाल के रूप में प्रकट होगा। बिंदु भय हो न प्रीति गुसाई, पक्ष चंद्रमा ग्रसाई न राहु, तेरे चंद्रमा को राहु भी कवर नहीं करता, अधिकार नहीं जमाता उसके ऊपर। मतलब कि ब्रह्मा की सोल जो अभी तक नकुल पाठ बजाती रही, वही जब प्रजापिता का आधार ले लेती, राम वाली आत्मा सशक्त आत्मा का आधार ले लेती, तो वो सोल वो पाठ बजाती है महाशक्ति का, जिसको जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा अर्थात असुर संहारिणी। ये मुरली में बोला है कि त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जगह मम्मा को बैठाना चाहिए। क्यों? वास्तव में शंकर असुरों का संहार नहीं करता सीधा सीधा, वो तो डायरेक्शन देने वाला पार्ट। करने वाले कौन है? शक्तियां
तो शिव की शक्तियाँ जब शिव शक्ति का रूप धारण कर लेती हैं, तो इस दृष्टि से जो दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले पुरुष हैं, मुझे बोला कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, इस बात को जो भी पुरुष चोले हैं ए टू जेड प्रजापिता से लेकर के 500 करोड़ की आत्मा तक, मनुष्य आत्मा तक, वो सब रियलाइज करते कि हाँ हमारे अंदर दुर्योधन दुशासन वृत्ति है जरूर। उन दुर्योधन दुशासनों को सुधरना पड़ता है। तो ये सुधार तभी होता है जब वो बाप उनका बाप बनकर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बाबा ने कई बार बोला हुआ है मुरली में कि बाप का टाइटल, बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा एक जैसी नहीं हो सकती। कृष्ण की महिमा या देवताओं की महिमा में कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बाप की महिमा ये नहीं हो सकती। अगर बाप सर्वगुण संपन्न बन गया है तो जो सर्व अवगुण संपन्न बच्चे हैं उनको सुधारेगा कौन? वो नहीं सुधर सकते। इतने जीत हैं, इतने हठी हैं, हठ योगी हैं, उल्टा योग लगाने लगते। तो ऐसे बच्चों को सुधार करने के लिए बाप सर्वगुण संपन्न का पाठ नहीं बजाता। क्या पाठ बजाता है? हाँ, धन से तबाह, काला क्या एकदम पतित कलमुआ, लेकिन नाम कहा जाता है धर्म का, धर्म का राजा। अधर्म का राजा नहीं, धर्म का राजा। धर्म का राजा महाभारत में किसको कहा गया है? युद्ध स्थिर युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर बना रहा, युद्ध में वो जो हिलने वाला नहीं, एक ही तारा है, एक ही सितारा है जो हिलता दुलता नहीं, अपने स्थान पर स्थिर रहता, बाकी का निश्चय हिलता दुलता है, लेकिन उस एक का निश्चय हिलजुल नहीं सकता। तो जिसका निश्चय हिलता जुलता नहीं, उसी पाठधारी के द्वारा वो सुप्रीम सोल राजधानी स्थापन करने का लास्ट पार्ट बजे। लेकिन उन सोच समय पर के आज में नहीं, तब पुरुषोत्तम संघ, तो पुरुषोत्तम संघ में ऊपर पुरुषोत्तम बनने की घड़ी हरेक की अपनी अपनी निकली हुई है। जो घड़ी जिसकी निकली हुई है वही उसके लिए पुरुषोत्तम संघ है। लेकिन जब तक अनिश्चय बुद्धि है, जब तक उस बाप को पहचाना नहीं, उसके पार्ट को पहचाना नहीं, मैं जो हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ और जिस तरीके से पार्ट बजा रहा हूँ, उसको पहचानने वाले बच्चे पूरी रीति जब तक पहचानते नहीं तब तक वो उनके लिए घड़ी आ नहीं सकती।
तो जो गुणों का वर्णन है, बाप के गुण अलग और देवताओं के गुण अलग। इसलिए बोला है कि न मैं देवता हूँ और न मैं ब्राह्मण हूँ। क्या बाप न देवता का पार्ट बजाता है और न ब्रह्मा का पार्ट बजाता है। देवता बन जाए तो बच्चे सुधर नहीं सकते। जो सारी दुनिया के बीज हैं, विधर्मियों के भी बीज हैं, तो स्वधर्मियों के भी बीज हैं, स्वदेशियों के भी बीज हैं, तो विदेशियों के भी बीज हैं। स्वदेशी जो है राइट साइड के बच्चे वो कमजोर धर्म है, बुद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म वगैरह वगैरह, ये है तो राइटियस लेकिन कमजोर है क्योंकि बाद वाले, इसलिए ये पावरफुल जो लेफ्टिस्ट धर्म है उनके प्रभाव में आ जाते और प्रभावित माना पड़े तो वो भी बिगड़ जाते। वो भी जब उनकी प्रजा बन जाएंगे तो प्रजा सहयोग किसका देगी? जिससे प्रभावित हुई उसी का सहयोग देगी। तो राइट या लेफ्टिस्ट, स्वदेशी या विदेशी, वो सारे ही असुर बन जाते और उन असुरों को चेंज करने के लिए बाप को सिर्फ विकराल रूप धारण करना पड़ता है। नकुल से धीरे धीरे पहले नव और ला का बैलेंस, जब उससे भी सुधार नहीं होता तो लाकुल रूप अपनाना पड़ता है, कंप्लीटली 100% लाकुल, कोई स्नेह नहीं, कोई प्यार नहीं। जैसे बाप का बच्चों से मोह तो प्यार होता है, लेकिन सुधारने के लिए क्योंकि लक्ष्य अच्छा है इसलिए फिर भी पार्ट कैसा भी बजाया जाए लक्षण भी अच्छे ही कहे जाएंगे, बुरे नहीं हो सकते। इसलिए बोला है कि मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूँ जिसके ऊपर कोई पाप न लगे। उतना वंडरफुल महावाक्य, इसलिए उस पाठधारी व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि शंकर का ऐसा वंडरफुल पाठ है जिसको बच्चे समझ न सकते। तो पाप की गुण सर्वगुण संपन्न का टाइप नहीं हो सकता, गोला कला संपूर्ण का टाइटल नहीं हो सकता, संपूर्ण अहिंसक का टाइटल नहीं हो सकता। अगर बाप संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो जो हिंसा करने वाले बच्चे 53 साल 54 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जो ब्राह्मणों की भूखी हिंसा है कौन सी? काम कटारी की हिंसा, जिसके कई रूप हैं, सूक्ष्म रूप भी है तो स्थूल रूप भी है। सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? सन्यासी, दुनियावी सन्यासी जो दुनियावी तरीके से घरबार छोड़ते हैं, वो सूक्ष्म में बुद्धि से पतित होते हैं या कर्मेंद्रियों से ज्यादा पतित होते हैं? बुद्धि से पतित, इसलिए उनका पतन भी तेजी से होता है क्योंकि सूक्ष्म शक्ति ज्यादा होती है।
ये पूर्ण शक्ति उतनी नहीं होती। तो जो बीज को याद करने वाले बच्चे जिनको अभी तक एडवांस नॉलेज लेने से पहले ये लक्ष्य मिला था कि बाप बिंदु है, बिंदु को याद करो। पहले बताते थे लिंग को, आपके गोले को याद करो। बच्चों की जब बुद्धि बौद्धि की स्टेज बढ़ गई तो फिर उसके ऊंची पढ़ाई में बताया कि अब बिंदु को याद करो। फिर पुर्ली में ये भी इशारा दिया हुआ है कि हो सकता है आगे चलकर के कोई और नई याद की विधि निकली। तो एडवांस नॉलेज में ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। तो प्रवृत्ति मार्ग की धर्म की स्थापना करने वाला भी क्या होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग वाला होना चाहिए। और प्रवृत्ति मार्ग वाला भी कैसा? निवृत्त संन्यासी नहीं, अकेला नहीं, शक्ति कर्म युगल रूप ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहेंगे। सरस्वती तो उनकी बेटी थी, एज के हिसाब से भी कहां 60-70 साल का बुद्धा और कहां 14 साल की कन्या। क्या मेल हुआ? इसको कोई प्रवृत्ति कहेंगे? वो तो सिर्फ माताओं को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा बना दिया। मुरली ने भी यही बात बोली हुई कि ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कह सकते। लेकिन सब धर्मों में सत्य परंपरा के वर्णन क्रम में सत्य के आदि रचयिता के रूप में उन आदि युगल का गायन जरूर। हिंदुओं ने उनको कहते हैं आदि देव आदि देवी, जैनियों ने उनको कहते हैं आदिनाथ आदिनाथी, मुसलमानों ने उनको कहते हैं आदम और हवा, और अंग्रेजों ने उनको कहते हैं एडम और ईव। शब्दों में भी कितना तालमेल है, सिर्फ स्थान के परिवर्तन के कारण जुबान में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है।